बढ़कर विद्यासागर महिला मंडल महल एवं सभी सहयोगी संस्थाओं के तत्वावधान से डिसाइड मिसेस ऑरेंज सिटी कंपटीशन का आयोजन नाइट गांधीबाग गार्डन हॉल नंगा पुतला चौक पर किया गया था। यह इन संस्कृतियों से भरे पोशाक पहनकर प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में शिरकत की। दरअसल इस प्रतियोगिता के माध्यम से डॉक्टर रिचा यूनिक क्लिनिक, श्री मोहिनी क्लिनिक, ऑक्सीजन, निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट, यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल इन संस्था के माध्यम से साथ ही साथ 24 स्टार प्राइड क्लब, पुलक मंच परिवार द्वारा इस मुख्य कार्यक्रम का संयोजन किया गया था, जहाँ विशेष रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उपस्थिति को इसका लाभ मिलने वाला है, जिसके विषय में जानकारी दी डॉक्टर रिचा जैन ने। 24 स्टार प्राइड क्लब इन BCN न्यूज चैनल और पुलक मंच परिवार के संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ जैन समाज की सभी संस्थाओं के द्वारा एक बहुत अच्छा आयोजन, क्योंकि यह जो सीजन है, मैं ये मानती हूँ कि हर धर्म का सीजन है। हमने रक्षाबंधन मनाया, हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में अभी हम देख रहे हैं तो पर्युषण पर्व हमारे सबके स्टार्ट हो रहे हैं। सितंबर का पर्युषण पर्व कल से स्टार्ट होने जा रहा है और दिगंबर का पर्युषण 19 से स्टार्ट होने जा रहा है। इसी के साथ में आज ये फेस्टिवल सीजन्स का एक स्पेशल हमने यहाँ पे मिस और मिसेस कॉन्टेस्ट और साथ में बहुत सारा फन गेम एक्टिविटीज, बॉडी फैट एनालाइजिंग हमारी क्लिनिक के द्वारा, ऑक्सीजन एनालाइजिंग ऑक्सीजन क्लिनिक के द्वारा, तो आज मल्टीपल फन एक्टिविटी के साथ एक भव्य आयोजन गांधीबाग गार्डन के हॉल में किया गया। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मिस और मिसेस इंडिया आज यहाँ पर जैसे लगभग कॉन्टेस्ट होता है, वैसा ही एक कॉन्टेस्ट का छोटा कॉम्पिटिशन हमने अरेंज किया है और इस कॉम्पिटिशन के जो हमारे विनर्स होंगे उनको, मैं काफी सारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ तो मैं ये पूरी के प्रयास करूंगी कि आज NBCN न्यूज चैनल के साथ यहाँ के जो विनर होंगे वो विनर्स को हम आगे प्लेटफॉर्म दें। आगे जब मिस बिदार, मिस महाराष्ट्र और मिस इंडिया यदि होता है उनमें भी ये कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करें और इस तरह से लेडीज को एक अपने आप में एक नई पहचान मिलती है। और आज का ये फैशन शो जो है उसकी खासियत ये है कि जैसे देश का नाम हमारे गुरु बोलते हैं कि भारत रखना चाहिए, आचार्य विद्यासागर महाराज जी सालों से बोल रहे हैं और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जागे हैं और उन्होंने इस इंडिया को भारत कहना शुरू किया है, क्योंकि इस बार अभी G22 चल रहा है उसमें भारत नाम दिया गया है। इसके लिए एक जोरदार मैं ये चाहूंगी पूरा विदर्भ इसका समर्थन करे और हम भारत की थीम पे आज यहाँ पे मिस और मिसेस इंडिया, आज जितने भी ड्रेसअप यहाँ हुए हैं वो ड्रेसअप कोई भी वेस्टर्न कल्चर नहीं है, सारा इंडियन कल्चर की हम दूसरे कितने प्रदेश का कल्चर है, चाहे मध्य प्रदेश में मांगू, महाराष्ट्र मानू, उत्तर प्रदेश मानू, उत्तरांचल मानू, ऐसे अलग अलग ड्रेस और वेशभूषा, राजस्थानी ड्रेस पकड़ू वैसे वेशभूषा में आज यहाँ पे पार्टिसिपेट आए हैं। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।